अगर मैं कहूँ ये रेसिपी केवल 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है तो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण। झटपट कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो न केवल बनाने में आसान है बल्कि खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी तेल, जिसे मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है और अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब हम इसको एक पैन में डालकर धीमे आंच में 2 मिनट के लिए इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे, या जब तक सुनहरा नहीं हो जाता है। तो लीजिए, हमारा तेल सुनहरा हो चुका है। आप चाहे तो इसे खाकर भी देख सकते हैं, क्रंची सा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने तो देते हमारा हैं। तिल अच्छे से ठंडा हो चुका है। चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसे दरदरा पीसना है, बहुत बारीक नहीं बनाना है, आप इस बात का ध्यान रखिए। और हमें इसे पल्स मोड में 3 से 4 बार चलाते रहना है। तो लीजिए, हमारा तेल दरदरा पीस चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी गुड़। जितना हमने तिल लिया है उसी के बराबर मात्रा में हमें गुड़ लेना है। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है। यहाँ पे मैंने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, जिससे पीसने में आसानी होगी। और साथ ही डाल देंगे 4 से 5 हरी इलायची, इससे इसमें बहुत अच्छा खुशबू आएगा। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तिल को अच्छे से पीस लिया है। अब हम ले लेंगे एक पैन और इसमें सारे मिक्सचर को डाल देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच बटर या घी, इससे इसमें बहुत अच्छा ग्लेज आएगा, देखने में भी शाइनी शाइनी लगेगा। और इसको हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, या जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, हमारा मिक्सचर रेडी है। हम इसको एक ग्रीस किए हुए प्लेट में निकाल लेंगे और एक कटोरी की मदद से इसको हम अच्छे से प्लेन कर लेंगे और स्क्वायर शेप में कर लेंगे, या आप जैसा चाहें वैसा फैला सकते हैं। बस इसको अच्छे से स्मूथ कर लेंगे कटोरी या ग्लास की मदद से। और अब हम इसको गार्निश कर देंगे कटे हुए पिस्ता और काजू से। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या नहीं डालें, ये बिना डाले भी ये बहुत टेस्टी लगता है। बस इसको डालने से थोड़ा रिच लुक आ जाता है, तो आप ज़रूर डालें। और अब हम इसको एक छोटे से ढक्कन या कटोरी, जो भी हो आपके पास, या कुकी कटर हो, उसकी मदद से हम ऐसा गोल गोल निशान लगा लेंगे। और ये देखिए, काटने में भी बहुत आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त, मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही टेस्टी बनता है और 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम इसको तोड़ कर देख लेते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना, तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।